हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास स्पेशली बिजनौर से आए हैं यशमीत और उसके पेरेंट्स। और यशमीत जो है उसको एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी, जिसको काफ़ी समय से ये जूझ रहा था और ये आयुर्वेदिक से अब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। तो जसविंदर जी उसके फादर हैं और ये बताएंगे कि इसका कैसे आपने फिर हमें ढूंढा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया, और उससे पहले क्या आपका एक्सपीरियंस था। हेलो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला कि जब मेरे बच्चों को ये वाली बीमारी हुई तो मुझे पता भी नहीं चला था। तो इसके सारा पेट, आँखें, मुंह, मतलब पूरा ये बदन इसका सूज गया था। और उसके बाद में हमने फिर बहुत जगह से इलाज करवाया। उसके बाद भी हमने बहुत जगह दिखाया मेरे बच्चों को, वहाँ से आराम नहीं आया। दिल्ली हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला इसका 10-12 साल इलाज चलेगा, 15-20 साल भी मतलब लग सकते हैं। क्या तो ये 10-8-9 साल की उम्र में मतलब ठीक हो जाएगा, 8-9 साल के बाद में या 15-20 साल तक ये ठीक हो जाएगा। वहाँ से भी बिल्कुल ये ठीक नहीं होया। उसके बाद हम मुरादाबाद गए डॉक्टर जी, बी के दत्ता जी, वहाँ से भी मतलब ये कोई आराम नहीं आया। और काशीपुर भी गए हम, वहाँ से भी कोई आराम नहीं आया। और रुद्रपुर भी गए, हल्द्वानी भी गए, हमने बहुत जगह इलाज कराया, वहाँ से कोई भी हमें आराम नहीं आया। तो फिर मैंने ऐसे अचानक देखा है यूट्यूब में कि इसका कोई आयुर्वेदिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी का इलाज है या नहीं है। तो मुझे दिखे एक कोई यहाँ से बच्चा ठीक होकर चला गया था, उनकी वीडियो देखी थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर जी का यूट्यूब से नंबर लिया और उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा डॉक्टर जी, इनसे मेरी डॉक्टर जी से बात हुई तो डॉक्टर जी ने फिर मेरे बच्चों को बिल्कुल ठीक कर दिया। यहाँ से इलाज चला 1-1.5 साल, वो मेरा बच्चा बिल्कुल अब जा ठीक है। कुछ मैं फ़ोटो भी दिखाना चाहता हूँ उसके, मेरे बच्चे की फ़ोटो कैसे दिखाई जाएगी मुझे, हाँ ये फोटो आपने मुझे भेजी थी, जिससे यूट्यूब में उनको पता चल जाए। आप पेशेंट को ये दिखाना चाहते हैं ये, तो कोई बात नहीं, हम आपकी फोटो ले लेते हैं और जी जी उसमें साइड में लगा देंगे। तो काफी बड़ा इसका पेट फूला हुआ है हाँ जी हाँ बच्चे जी का, तो ये आपने मुझे याद है भेजी थी। तो बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता क्या, जो किडनी की जो छन्नी होती है ना, वो प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है उसमें से, जी जी जो छन छन के बाहर निकल जाता है और अल्ब्यूमिन कम हो जाता हाँ है जी हाँ और जी फिर अल्ब्यूमिन चढ़ाना पड़ता है। हाँ जी। एल्बुमिन गैस के 3-4 इंजेक्शन लगे थे, जो कि एक इंजेक्शन की कीमत थी 4-4.5 हज़ार रुपये। तो वहाँ से हम दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में गए, वहाँ से 3-4 इंजेक्शन भी लगे इसके अपना एल्बुमिन वाले। तो उनसे भी मतलब आराम तो आया, लेकिन यह है कि बीमार की कुछ भी वहाँ से कोई कोई हमें आराम नहीं दिखा। उसके बाद हम जब यहाँ पे पहले आयुर्वेदा आए तो मेरा बच्चा यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे डॉक्टर जी ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया हमको, कि हम तो डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी डॉक्टर जी के सारे स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हमको इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। बहुत ज़्यादा मुसीबत से निकाला डॉक्टर जी ने, कि मेरे बच्चे की दोनों किडनी बिल्कुल पूरी डैमेज हो गई थी। और इसका 2-2 दिन पेशाब भी नहीं आता था। जब वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने डॉक्टर जी ने इंजेक्शन भी लगाया एल्बुमिन वाले, तो उसके बाद में 2 दिन के बाद में इसको पेशाब आया। और जब दिल्ली से इसका इलाज चल रहा था तो 15 दिन ये ठीक रहता था डॉक्टर जी, और 15 दिन के बाद में फिर ऐसी बीमारी मतलब फिर सेम वही कंडीशन इसकी हो जाती थी। और आपकी जब से बीमारी, आपके यहाँ से हम जब से दवाई खानी शुरू करी बच्चे की, जब से हम 1-2 महीने बिल्कुल मतलब 3 ही महीने बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था यहाँ आने के बाद में। उसके बाद कोर्स चला पूरा, अब जब कोर्स भी पूरा हो गया बच्चे का, वो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है अब, जब किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और स्टार्टिंग में इसको पेशाब में प्रोटीन 4+ आता था, अच्छा 4+ 3+ ऐसे पेशाब में इसका प्रोटीन जाता था। अब बिल्कुल 1 साल से बिल्कुल नेगेटिव हैगा किस, नील नील आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल नहीं ला रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं डॉक्टर जी बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज ये जसविंदर जी मिठाई भी लेके आए हैं हाँ हमारे जी, स्टाफ के और लिए, मैंने स्टाफ के लिए मिठाई भी लेकर आया हूँ मैं, बहुत बहुत डॉक्टर जी के मैं लिए भी भी। बहुत खुश हूँ कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। और उस समय पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है ये मैं जान सकता हूँ, जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि बच्चा जो है 10 साल लगेंगे या 15 साल लगेंगे या ठीक ही नहीं होगा, हाँ जी कईयों को तो ये भी बोल देते हैं ठीक नहीं हाँ होगा। जी हाँ जी डॉक्टर ने जो बात हो एम्स हॉस्पिटल, तो ये बिल्कुल ऐसे बोलते थे आप इलाज कराए जो वहाँ पे हमने बहुत बच्चे देखे, हमारे ये इतना ज़्यादा बुरा हालत हो गया था कि
कि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। हमारा एक ही बच्चा है, तो हमने तो जैसे बोलते हैं ना कि जब ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब होगी तो हमने एक बार को तो आस ही छोड़ दिया, हमारा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन देखो, सबसे बड़ा खुदा है, रब है, वाहिगुरु है बचाने वाला, और दूसरे हमारे डॉक्टर जी हैं, भगवान का रूप है जो हमारे बच्चों को नई जिंदगी दी। हमारा बच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए मेरा यही मैसेज है, अगर किसी को किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी होती है, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, कोई भी आदमी हो, तो इधर उधर कोई ना जावे, ना कोई भटके इधर उधर। पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पलिनिट आयुर्वेदा मोहाली में आके अपना इलाज करा ले, तो यहाँ से बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, मेरा बच्चा जब ठीक हो गया तो हर आदमी यहाँ से ठीक हो के जाते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर जी हैं, और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं किसी से, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से हमसे बात करता है। यानी हमने इतने हॉस्पिटल में गए हम, तो वहाँ पर कोई ना तो स्टाफ अच्छे से बात करते हैं, ना डॉक्टर जी अच्छे से बात करते हैं। बस गए, फटाफट दवाई लिख के दिया और अपने दवाई लेके चले गए हम। तो जसविंदर से मैंने बात करी थी पिछले महीने, तो ये जब कह रहा था बिल्कुल ठीक है, तो इसका खुद से फ़ोन आया मुझे कि डॉक्टर साहब मैं वीडियो बनाने आऊँगा आपके पास एक महीने बाद। जी जी। तो इसका अब कोई फॉलोअप नहीं था, मैंने फ़ोन पे दवाइयाँ बंद कर दी थी इसकी, कह दिया था कि अब दवाइयों की जरूरत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आपने बोल दिया। देर से बंद है, दवाइयाँ भी बंद है। हाँ जी, अब दवाई भी बंद हो गई है सारा कुछ। मैं तो स्पेशल अभी वीडियो बनाने के लिए। कब से बंद है ये? 3-4 महीने से दवाई बंद हो गई है। 3-4 महीने से इसकी दवाइयाँ बंद है, कोई दवाइयाँ नहीं खा रहा और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन इसका नील आ रहा है। और इसने मुझे स्पेशली, इसने खुद से फ़ोन किया है जसविंदर, इसके जसमीत के पापा ने, कि मैं खुद से वीडियो बनाने आऊँगा। तो आप अपने आप सिर्फ वीडियो बनाने आए हैं और कोई काम नहीं है स्पेशल, इतनी दूर से लगभग 1000 किलोमीटर होगा। जी जी, 100 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 400-500 किलोमीटर 100 किलोमीटर होगा। इतनी दूर से स्पेशल आए हैं कि वीडियो और मिठाई लाए हैं हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए। और मैं भी प्रे करता हूँ, विश करता हूँ, इसको ब्लेस करता हूँ कि ये ठीक ही रहे, और धन्यवाद, परिवार आपका ठीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ओके, धन्यवाद। अच्छा, कई वीडियो के अंदर पेशेंट पूछते हैं कि आपका कोई फ़ोन नंबर हो या कोई ऐसा हो, तो उसमें हमारी वेबसाइट है planetayurveda.com, और जो उस पर लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं या दूसरे मोबाइल नंबर दिए हैं, वहाँ पर आप फ़ोन करके असिस्टेंट डॉक्टर के साथ या मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से। तो आप, जैसा आपने बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो इसकी कोई खास डाइट जो मैंने बताई थी वैसे फॉलो की थी, क्या किया था, क्या डाइट? हाँ जी, जैसे कि आपने एक चार्ट दिया था हमको, हाँ, कि इसमें ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, तो हमने वैसी डाइट, वो प्लान बोलते हैं उसको, डाइट प्लान लिख के जैसा आपने दिया था, हमने उसी हिसाब से उसमें देख देख के कुछ चीज़ें उसमें लिख रही थी, ये चीज़ नहीं खानी, ये खानी है। तो आपने उसमें जी दूध के लिए आपने बिल्कुल मना किया था कि दूध नहीं खाना, मतलब दूध नहीं पीना, और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, तो हमने वैसे ही इसका परहेज किया। और सूरजमुखी का तेल में हमने उसको सब्जी छोक के दिया है, आपने बोला था कि बाकी कोई तेल नहीं खाना है इसको। और फल में आपने नाशपत्ति और पपीता बताया था, वही दो ही फल दिया, बाकी हमने सारे फल बंद कर दिया। खट्टे फल मना, हाँ जी, हाँ जी, मना करता हूँ। हाँ, खट्टे फल जो थे, संतरा नहीं दिया हमने, अंगूर नहीं दिया, और हाँ जी, खट्टा खटाई जो भी खट्टा फल हुआ खाने के लिए हमने नहीं दिया। जैसे जैसे आपने हमको बताया चाट, वैसी वैसी हमने परहेज किया। तो क्योंकि डॉक्टर जी, दवाई एक साइड में, परहेज एक साइड में, दवाई के साथ साथ अगर परहेज करेंगे तो तभी ठीक होगा। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सब खा सकता है। अच्छा जी, अब जो खा सकता है, ठीक है जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अब ये ठीक रहेगा। और इसका सब्जी भी हम अलग ही बनाते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम घर में चार रहेंगे, मेरे मम्मी पापा, मेरी घरवाली, मैं, तो इसका बच्चे का अलग ही सब्जी बनता था हमारे घर में, तो सूरजमुखी के तेल में। मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो गए होंगे जब पता। हाँ जी, हम रोते थे डॉक्टर जी, हम वहाँ जब अपना काशीपुर में गए तो इसको ICU में रख दिया, तो डॉक्टर ने बोला 24 घंटे तक हम कोई हाँ ना का जवाब नहीं दे सकते, आपका बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। तो वहाँ पे हम नीचे खड़े रो रहे थे, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमारे बच्चे को बचा लो। तो उसके बाद में, मतलब 15-16 घंटे के बाद में बच्चे को, मतलब होश तो आया है, लेकिन बीमारी का वहाँ से कोई जड़ नहीं गया। जो भी मेरा बच्चा ठीक होया, वो आपके क्लिनिक आयुर्वेदा से ठीक होया है, और यहाँ से हमने पूरा कोर्स करा है। बीच में जैसे जैसे आपने दवाई बताई, वैसे ही हमने दवाई बच्चे को खिलाई है, उसका एक भी टाइम हमने दवाई बंद नहीं किया। इसमें
कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जैसे फलंथस निरूरी, और कुछ याद है आपको हाँ क्या जी, दिया था? एक तो चंद्र प्रभा बटी चली थी इसका, हाँ चंदन आदि बटी, जी हाँ चंद्र, चंदन आदि बटी, ये पुनर्नवा, पुनर्नवा कैप्सूल, हाँ जी, या रिनो प्लान, या एक फिर हल्दी टाइप का कैप्सूल आता है, करक्यूमिन, क्यूमिन कैप्सूल्स, हाँ जी हाँ जी ये सब चीज़ें आपको मैंने दी थी। हाँ जी, ये ये दवाई होती इसकी है चली, ना, ये दवाइयाँ आमतौर पे चलती हैं, इससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। हाँ जी फिलेंथस न्यूरूरी भी दिया था, याद नहीं आपको? फिलेंथस न्यूरूरी जिसको भूमि आंवला बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा हाँ काम जी, करता भूमि है। आंवला भी दिया था ना उसके अंदर, भूमि फिलेंथस, आंवला जी, फिलेंथस न्यूरूरी था उसका हाँ जी नाम। हाँ जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।